मैं संतोष देवी प्रियंका नॉलेज बैंक में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, आप सबको ढेर सारा प्यार और मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, आनंदमयी कुशल से होंगे, मस्त होंगे, चंगे होंगे। तो आज हम आप सबके लिए बना रहे हैं मूली का मीठा अचार। तो क्या बना रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों? मूली का मीठा अचार। ये खाने में बहुत ही गजब का लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है और पाचन भी करता है। तो देर किस बात की है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों? चलिए झटपट बनाते हैं मूली का मीठा अचार। अब चलिए किचन गार्डन से मूली को उखाड़ लेते हैं। मूलियों को छील लेते हैं। मूली के पतले पतले पीस काट लेते हैं। मूली को गोल गोल पतला पतला काट लिया है। अब चलिए चूल्हा जला लेते हैं। अब चूल्हा जला लेते हैं। चूल्हा जला दिया है, कढ़ाई को रख देते हैं। ये 300 ml सिरका है, 300 g गुड़ डाल देते हैं। एक किलो मूली है, गुड़ अच्छे से पिघल गया है, गुड़ अच्छे से पिघल गया है। अब स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। थोड़ी मिर्ची डाल देते हैं। मूली के चंदे डाल देते हैं। इन्हें हमें ज्यादा नहीं पकाना है, एक दो उबाल लाना है बस।
उबाल आ गया है, आपको बंद कर देना है। अब आपको बंद कर देते हैं, कढ़ाई को उतार लेते हैं। उबाल आ गया है, इन्हें हमें ज्यादा नहीं पकाना है। आग को बंद कर देते हैं और कढ़ाई को उतार लेते हैं। आग को बंद कर देते हैं, मूली के मीठे चंदे ठंडे हो गए हैं। अब ये कांच के जार में भर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, मूली का मीठा अचार बनकर तैयार है। मूली का मीठा अचार बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही स्वादिष्ट बना है। आप इसे अभी से खा सकते हैं। हम इसको शाम को खाने के साथ खाएंगे। आप इसे एक बार बनाइए और एक महीने तक आराम से खाइए। तो देर किस बात की है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, आप सब भी इसी तरह से मूली का मीठा अचार बनाना, खाना, खिलाना और अपना अनुभव प्रियंका नॉलेज बैंक पर शेयर करना प्लीज। कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताना आपका मूली का मीठा अचार कैसा बना। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, हमारे चैनल के सदस्य जरूर बनना, हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, हमारा हौसला इसी तरह से बढ़ाते रहना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। खुश रहो, आनंदित रहो। बाय बाय।